हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका और हमारे यूट्यूब चैनल क्लासमेट हेल्पर में। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का द सेंटेंस, हिंदी में बोले तो वाक्य। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेंटेंस, इसका डेफिनेशन। सेंटेंस क्या होता है? जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, यानी कि जनरली हम कुछ वर्ड्स के ग्रुप का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बताने के लिए या किसी चीज़ को दिखाने के लिए। यानी कि लिखना हो या फिर बोलना हो तो हम कुछ वर्ड्स का ग्रुप यूज़ करते हैं, साथ ही साथ उनका कुछ मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोले जा रहे हो या कुछ भी लिखे जा रहे हो तो वो सेंटेंस कहलाएगा, ऐसा नहीं है। आप कुछ वर्ड्स बोल रहे हो, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल रहे हो या लिख रहे हो तो उनका कंप्लीट मीनिंग हो तो वो क्या होगा, एक सेंटेंस होगा। जैसे कि यहाँ पर है विनोद ईट्स फूड, यानी विनोद खाना खाता है, ठीक है। तो चलिए अनदर एग्जांपल्स देखते हैं सेंटेंस के। जैसे यहाँ पर है सीता इज़ वाइफ ऑफ राम, यानी सीता राम की वाइफ है। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, वेयर आर यू गोइंग, यानी कि यहाँ पर है तुम कहाँ जा रहे हो। ये कंप्लीट मीनिंग दे रहे ना, जो आप बोल रहे हो कुछ मीनिंग आ रहा है इसका, आप कहाँ जा रहे हो तो क्या है, सेंटेंस है। डोंट गो देयर, यानी कि ये एक सेंटेंस है। आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, किसी को या फिर एडवाइस दे रहे हो, वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर एक मीनिंग दे रहा है, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जैसे सीता इज वाइफ ऑफ राम, ये बहुत सारे वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनाया है, यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनाया है, ठीक। तो इसी तरह ये सभी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो, सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और जो कंप्लीट मीनिंग दे वो क्या होता है, सेंटेंस होता है, ठीक। तो अब आपने जान लिया सेंटेंस क्या होता है, तो अब आपको जानना होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिक्लेरेटिव, जिसको एजर्टिव भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक। तो चलिए वन बाय वन इन सबको जानते हैं। पहला है एजर्टिव, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। एजर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और एजर्शन इस कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और एजर्टिव सेंटेंस। यानी कि कोई भी सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट दे, यानी कि एजर्शन दे, तो क्या होगा, डिक्लेरेटिव या एजर्टिव सेंटेंस होगा। जैसे कि देख लो, आई एम वॉचिंग मूवी, यानी एक जानकारी दे रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है, मैं मूवी देख रहा हूँ, एक जानकारी दे रहा है, कंप्लीट एक फैक्ट बता रहा है, तो क्या है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या फिर एजर्टिव सेंटेंस। द स्काई इज ब्लू, अब सबको पता है इसका इज ब्लू, एक बस जानकारी दे रहा है इसका इज ब्लू, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, तो ये क्या है, एजर्टिव सेंटेंस, या जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। अब हम जानेंगे दूसरा क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जब कोई क्वेश्चन करा जाता है, यानी कोई सेंटेंस होता है कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेके आप किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हो, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल रहा है तो ये क्या होगा, सेंटेंस होगा। या किसी को पूछ रहे हो, यानी किसी को पूछने वाला सेंटेंस होगा तो क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक। तो जैसे आप किसी को पूछ रहे हो, अभी क्या टाइम हो रहा है, व्हाट टाइम इज इट। दूसरा है जैसे आप किसी को पूछ रहे हो आप कहाँ रहते हो, तो उसके लिए होगा वेयर डू यू लिव, ठीक। तो आप कोई सेंटेंस का यूज़ करके किसी क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्या होगा, वो जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक। तीसरा है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन एंट्रिटी इज कॉल्ड अ इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जिससे आपको पता चल रहा है कि आप किसी को कमांड दे रहे हो, ऐसा कोई सेंटेंस है किसी को कमांड देने के लिए यूज़ कर रहे हो, यानी कोई सेंटेंस है, तो क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे बी क्वाइट, आप किसी को बोल रहे हो आप शांत रहो, ये क्या है, कमांड दे रहे हो, तो क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। या फिर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये भी क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ आप बैठ जाइए, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, किसी को कमांड दे रहे हो या किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो क्या होगा, वो इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आपका कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहा है, यानी कोई फीलिंग बता रहा है, जैसे सडनली जोश या कि गुस्सा, ये सब बता रहा है, या किसी से नाराज हो, ये सब स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहा है। कोई सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहा है तो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे कि हाउ कोल्ड द नाइट इज, यानी ये कितनी ठंडी रात है, व्हाट अ शेम, कितनी बेशर्मी की बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना अच्छा दिन है, ठीक है। तो हमने जान लिया सेंटेंस के चार प्रकार के होते हैं, और चार प्रकार हमने जान लिया। तो सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं इन चारों सेंटेंसेस में, यानी चार प्रकार हमने जान लिए सेंटेंस के, तो इन चारों प्रकार के सेंटेंसेस में भी उनके पार्ट्स होते हैं,
जिनको हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे पहला है, दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक, तो हम इनको पहले जानते हैं, इनका डेफिनेशन क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि जब हम किसी चीज़ के बारे में, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो सब्जेक्ट है। और उस चीज़ के बारे में कुछ बता रहा है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, कुछ समथिंग बता रहा है, तो क्या होगा? वो प्रेडिकेट होगा। ठीक, प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। तो आप इन एग्जांपल को देख के समझ लीजिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। द केट स्लिप्स, यहाँ पर द केट क्या है? सब्जेक्ट है, केट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट क्या है? केट है। और स्लिप्स क्या है? प्रेडिकेट है। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, सारा रीड्स अ बुक, यहाँ पर सारा जिसके बारे में बात हो रही है, वो किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर सारा के बारे में बात हो रही है। सारा क्या है? सब्जेक्ट है। और सारा क्या करती है? उसके बारे में कुछ बता रहा है। सारा क्या करती है? रीड्स अ बुक, तो ये रीड्स अ बुक क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक, तो ये था आपका सेंटेंसेस। और आपको इन सेंटेंसेस में आर यू कमिंग टू द पार्टी और क्लोज द डोर, वाव दैट्स अमेजिंग, इनमें से पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।